नमस्कार, मैं अमिषा चौहान और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। भीसर सड़क हादसा जिसमें बस ने टक्कर मारी है एक दंपति की बाइक पर, जिसमें पति पत्नी की मृत्यु हो गई है और 3 साल की बच्ची की जान बच गई है, जिससे काफ़ी चोटें आई हुई है, लेकिन उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूरा जानकारी बताते हैं आपको कि ये मामला शिवपुरी का जिले का कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम देहरदा के पास 4 लाइन हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस बाइक पर को टक्कर मारती है, जिसमें सवार दंपति की मृत्यु हो गई है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है, जिसके बाद बाइक पर सवार मासूम बच्ची इस भीषण हादसे में बच गई है। हालांकि बच्ची को चोटें आई हुई, उसके बाद भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो मृत महिला है अपने बड़े भाई को राखी बांधने के लिए शिवपुरी आई हुई थी। मंगलवार शाम को बच्ची के साथ वापस जा रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मृत्यु हो गई और 3 साल की बच्ची की जान बच गई है। कुख्यात हिस्ट्री सीटर का गुर्गा गिरफ्तार। कुख्यात हिस्ट्री सीटर अब्दुल रजाक का गुर्गा गिरफ्तार हो गया है, जिसके बाद उसके बेटे, दुबई में रह रहे बेटे का कमरूल इबाद बताया जा रहा है कि राइट हैंड माना जाता है। उसके बाद में पूरी जानकारी इसमें बताई जा रही है कि जबलपुर में कुख्यात हिस्ट्री सीटर अब्दुल रजाक, जो कि वर्तमान में रसूखा के तहत केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है, पुलिस लगातार उनके साथियों और गुर्गे का गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। पुलिस का जहाँ रजाक के बेटे सरताज को दुबई में लाने के लिए तैयारी कर रही है, वहीं उन्हीं गुर्गे को गिरफ्तार कर रही है, जो कि रजाक के साथ अपराध में शामिल हुआ करते थे। विजयनगर थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा प्रकरण के आरोपी शहनवाज की तलाश में पुलिस कुख्यात बदमाश हाजी अब्दुल रज्जाक के घर शुक्रवार सुबह 4 बजे दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घर की सर्चिंग में एक विदेशी सहित 5 राइफल, 10 कारतूस और 15 बाका नूका चाकू मिला है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देखते रहिए तरंग 24 न्यूज़। धन्यवाद।